हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और आज बात करने वाले हम बजट पे, क्योंकि बजट 2024 हो चुका है पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं ऐलान, घोषणाएं, योजनाओं के बारे में बात। जिन सबकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, कहां निराशा लगी, क्या हाथ लगा, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे कि किसानों को कितना कुछ मिला। कई दिन से हम चर्चा कर रहे थे किसानों को जिन जिन चीजों की जरूरत है, जो उम्मीदें हैं, जो वो चाहते हैं, जो उनकी मांग है, वो बजट से पूरी हुई या नहीं हुई, इन सब बातों पर आज हम बात करने के लिए इस न्यूज रूम लाइव में जुड़े हैं। हमारे साथ है हमारे न्यूज रूम एक्सपर्ट्स जो लगातार इन मुद्दों पर बने रहते हैं, बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं और लोग उनसे सवाल भी पूछते हैं। तो धीरे धीरे अपने न्यूज रूम एक्सपर्ट्स के पास आगे बढ़ूंगी और बताऊंगी कि क्या रहा, क्या उनकी नजर में रहा। इससे पहले बता दूं कि जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया तो शुरुआत ही हुई किसानों के साथ। उन्होंने वही बात दोहराई जो मोदी जी बहुत पहले कह चुके थे कि चार जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। तो बात जो शुरू हुई बजट भाषण की वो किसानों से हुई और एक उम्मीद जगी कि ये सरकार किसानों के लिए है, किसानों के लिए काम कर रही है और योजनाओं के ऐलान भी होंगे। लेकिन बजट भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं ये सारी उम्मीदें, ये सारी जो संभावनाएं थी, कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आई। तो अब क्या रिएक्शन है हमारे एक्सपर्ट्स का और जो किसानों के हमारे पास रिएक्शन आए हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कुछ सामने आ चुका है, इस पर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं सीनियर एक्सपर्ट है हमारी न्यूज रूम में मिस्टर ओम प्रकाश, उनके पास जाऊंगी और पूछूंगी उनसे कि उनका बजट एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि ना एमएसपी गारंटी को लेकर कोई बात हुई है और ना पीएम किसान की राशि बढ़ी है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है इस लाइव में। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, बजट बहुत निराश करने वाला है किसानों को। किसानों के लिए जो किसान मांग रहे थे वो किसानों को उसमें से कुछ नहीं मिला, ना एमएसपी की गारंटी मिली है। जो रेगुलर एमएसपी बढ़ती है रबी और खरीफ में, सिर्फ उसकी बात की गई कि हम बढ़ा रहे हैं और उच्च एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन उसकी खरीद की गारंटी जैसा कोई बात नहीं की गई है। और जो तीन चार चीजों की घोषणा हुई है उसमें एक है कि दलहन तिलहन जो फसलों के विस्तार के लिए मिशन मोड पे काम होगा, मिशन आएगा, ये 2016 से मैं सुन रहा हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम मिशन लाएंगे, मिशन मोड में काम होगा, पीपीटी बन जाती है सरकार में और एसी कमरों में बैठ के ये सब काम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे काम नहीं होता। ग्राउंड पे तब काम होगा जब दलहन का सही दाम मिलेगा, तिलहन का सही दाम मिलेगा। आज आप देखिए 2020 से 2023 तक सरसों का दाम 8000 रुपये क्विंटल तक मिल रहा था, आज 4500 रुपये क्विंटल मिल रहा है। तो 4500 रुपये क्विंटल अगर दाम मिल रहा है, पहले से दाम घटा दिया आपने, अपनी पॉलिसी से घटाया। जो इम्पोर्ट ड्यूटी 45% हुआ करती थी दूसरे देशों से खाद तेल मंगाने का, उस पर आपने 0% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी। और उससे सोयाबीन जो 4600 रुपये आपने एमएसपी घोषित की उसका दाम 3000 रुपये क्विंटल हो गया। जो 5650 रुपये क्विंटल है सरसों, उसका दाम हो गया 4500 रुपये क्विंटल। तो क्या दाम घटा करके आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? अगर आप दाम घटाएंगे तो खेती घटेगी, खेती बढ़ेगी नहीं। और यही हमने देखा है कि आपने आज़ादी के बाद से 2020 तक सिर्फ पूरे देश में सरसों का जो एरिया हुआ करता था वो होता था 70 लाख हेक्टेयर, 70 लाख हेक्टेयर था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा। तमाम मिशन आए गए लेकिन एरिया नहीं बढ़ा। एरिया तब बढ़ा जब 20 से 23 तक दाम अच्छा मिला, 30 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया सिर्फ 3 साल में। तो सीधा मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसानों को जब तक दाम नहीं मिलेगा तब तक एरिया नहीं बढ़ेगा और आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। दाम की बात ओपी जी लगातार कर रहे हैं और जब हम किसान की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो जाहिरन एक दाम की बात आती है और यही मसला लंबे समय से चल रहा है। जो किसान धरना दे रहे हैं 150 दिन से ज्यादा हो गए, शायद 160 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और उनकी जो एक मांग बार बार सामने आती है वो आती है कि हमें दाम मिले, एमएसपी गारंटी कानून मिले। तो ओपी जी, एक बात ये जाहिर हो गई कि एमएसपी बढ़ाने की बात तो दूर, जो एक किसानों को थामने की, हरियाणा में फिर विधानसभा चुनाव है, वो कोशिश भी सरकार इस बजट में तो करती नजर नहीं आई। ये बात ठीक है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इतना झटका खाने के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इसमें एग्रीकल्चर को लेकर के सतर्क होना चाहिए था और कोई ना कोई बात मान लेनी चाहिए थी। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ यही कर लेती कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम जो है
वही बढ़ा देती तब भी पूरे देश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा होती, बड़ी घोषणा हम देख रहे हैं 5 साल से। इसी बात पर मैं मनोज जी की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि कल भी हम एक डिस्कशन कर रहे थे बजट को लेकर, जो उम्मीदें थी और पीएम किसान पे लगातार मनोज जी से बात हुई, और जो खुद हमने खबरें छापी कवरेज की, वो राशि 6 से सीधे 12 होने की बात थी। ओबीसी से हम बात कर रहे थे, हमारे एक और एक्सपर्ट है न्यूज रूम में जो खेती किसानी के मुद्दों पे लगातार लिखते और बात करते हैं। तो मनोज जी, पीएम किसान को लेकर भी कोई ऐलान नहीं हुआ, जबकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कुछ ना हुआ पर पीएम किसान की राशि तो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। कितना निराशाजनक लग रहा है आपको बजट, किसानों से आप बात करते रहते हैं लगातार? मैं बजट को भी इसे प्रथम दृष्टया कहूंगा कि ये बेशक निराशाजनक बजट रहा है फार्मिंग के लिए, खेती किसानी के लिए, लेकिन इस बजट को जो मैं अगर एक शब्द दूं, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी फोकस्ड बजट यहाँ पर है, जिसमें सरकार का ध्यान जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने की तरफ है, लेकिन उसमें जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का कर्ता धरता है किसान, और जो किसान इकोनॉमी है फार्मर इकोनॉमी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर का बजट है इस बार बढ़ाया गया है, अगर मैं सामने ये डाटा रखे हुए हैं अभी देखेंगे, पिछले साल 2022-23 में 23-24 में 1,24,214 करोड़ का बजट था, और इस बार 1,51,885 करोड़ का बजट। एक बार आपको रोक के, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पॉइंट मैं भी नोट करके लाई थी और शायद बता नहीं पाई शुरू में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मनोज जी ने उठा दी कि इस बार जो एग्रीकल्चर बजट है, कितना एलोकेशन हुआ कृषि के लिए, वो बढ़ गया है। इस बार 1,50,000 करोड़ का कृषि बजट अनाउंस हुआ है, लास्ट ईयर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए था, यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। तो ये बड़ा इनपुट आप ले रहे हैं यहाँ पे कि कृषि का बजट जो है बढ़ गया है। अगर इसको आप देखें तो ये तीसरा बड़ा हिस्सा, इसको मैं अगर कहूंगा, अगर साथी हमारे साथ कैमरे में जो फोकस है, हमारे जो सहयोगी कैमरामैन वो स्क्रीन दिखाएं, डिफेंस के बाद ये तीसरा बड़ा हिस्सा है, डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्चा है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में दूसरा सबसे बड़ा खर्चा, तीसरा एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी किसान जो है वो खाली हाथ है। उसको मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए मोटी तौर पर घोषणा है, मैं मोटी घोषणाओं के तौर पर कहूंगा, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की बात हुई है, लंबे समय से बात हुई है, नेचुरल फार्मिंग की बात हुई है, रिलीज इन न्यू वैरायटीज की बात हुई है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खेती को आगे बढ़ाने की बात हुई है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हुई, यानी कि रिसर्च में आप पैसा बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल फार्मिंग। इन पर मनोज जी मैंने भी लिस्टिंग किए, मैं आऊंगी, मैं पीएम किसान को लेकर कितनी निराशा, इसी बात पे मैं आऊंगा, लेकिन खेती पर खर्चा हो रहा है, खेती के भविष्य पर खर्चा किया जा रहा है कागजों में, क्योंकि जैसा कि ओम प्रकाश जी ने भी कहा, नेचुरल फार्मिंग की बात पहले से हो रही है, ऑयल सीड मिशन जो पल्सेस एंड ऑयल सीड है वो पहले से है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मिशन शुरू कर रहे हैं तो ये बात भी समझनी होगी कि सरसों की खरीदने पे, किसानों से सरसों खरीद करने में जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो रुख होता है वो बहुत ही किसान विरोधी होता है। अब देश की सरसों, किसानों की सरसों खरीदने में ही राज्य सरकारें बेमानी करती हैं, उनको ही सरकार का घोषित एमएसपी नहीं मिल पाता और किसान के हाथ में सीधे कुछ नहीं जाता है। तो ये अलाइड सेक्टर को मजबूती की बात है, एग्रीकल्चर अलग से इकोनॉमी बूस्ट करने की बात है, और उसमें जो एग्रीकल्चर में जो जिसे नायक है उस नायक को बुला देने की बात यहाँ, मतलब किसानों के लिए नहीं कर रही है, बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है सरकार, मानेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर को बूस्ट करने की बात है, एग्रीकल्चर कृषि की संस्कृति को बूस्ट करने की बात है, कृषि को बूस्ट करने की, कृषि को बूस्ट करने की बात नहीं है। ओपी जी के पास दोबारा जाऊंगी, क्योंकि कल जब हम लाइव कर रहे थे, कुछ वीडियोस जब हम करते हैं, उनमें एक कमेंट आता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप फसल का दाम दीजिए। तो जब हम पीएम किसान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसानों को पैसे दे के चुप कराने जैसा लगता है, कई किसान खुद इस बात का विरोध करते हैं कि हमें फसल का दाम दीजिए, हमें कोई, हम भिखारी नहीं है, ऐसे भी कमेंट आई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं पढ़ रही थी जो वीडियोस हो रहे हैं पीएम किसान को लेके, तो फसल के दाम ना मिलना ऐसे समय में कितना निराश कर सकता है आगे किसान को, क्योंकि कल 24 तारीख है और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक फैसला भी आने वाला है कि अब किसान आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ेगा, और बजट पेश हो चुका है इस बीच, तो क्या ये ट्विस्ट एंड टर्न साबित होने वाले किसान आंदोलन की पूरी कहानी के लिए? देखिए, चार चीज़ें महत्वपूर्ण है, मैं कई 8-9 साल से एग्रीकल्चर कवर कर रहा हूँ और किसान परिवार से हूँ, तो मैं चार चीज़ें गिनवाता हूँ। इसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को चाहिए सिंचाई, किसान को चाहिए समय पर खाद, किसान को चाहिए अच्छे बीज, और किसान को चाहिए दाम। ये चार चीजों के अलावा आप पीपीटी बनाते रहिए, चार चीज मैं कहूंगी ओबीजी आप दोबारा दोहराएं, क्योंकि बहुत अहम है कि
सरकार को ऐसा तो नहीं है कि ये बातें पता नहीं होंगी, लेकिन अहम है कि हम सब जाने कि आखिर किसान को क्या चाहिए। एक बार आप दोबारा दोहरा के इस बात को आगे बढ़ाइए। पहली चीज है सिंचाई, सिंचाई का साधन रहेगा तो कुछ तो किसान उपजा लेगा। दूसरी चीज है कि आपको अच्छे बीज चाहिए, अच्छी बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज रहेगा तो उत्पादकता अच्छी रहेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तीसरी चीज है कि आपको समय पे खाद चाहिए, खाद के लिए हमने देखा हमेशा मारामारी होती है, और अच्छा दाम चाहिए। ये चारों चीज आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, 75 साल आजादी के बीत चुके हैं। ये चारों चीज मुहैया कराने में सारी सरकारें फेल रही हैं, चाहे वो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकारें रही हो, या फिर अब बीजेपी की सरकार है, सारी सरकारें इस मामले में फेल रही हैं। पीपीटी आप बना के अपने घर रखिए और बताइए कि कैसे दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हमें सिर्फ चाहिए कि दाम की गारंटी मिले, और आप मंडी व्यवस्था बना दो, आप समय पे खाद दे दो, समय पे बीज दे दो, और सिंचाई की व्यवस्था कर दो। इसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप पन्ने भर के रख लो। पर ये सब यही सरकार नहीं दे पाई, यही सरकार बुनियादी चीज नहीं दे पाई। किसान आंदोलन का क्या होगा, ये सब कुछ नहीं मिला। देखिए, अगर किसान आंदोलन को सरकार एड्रेस करना चाहती तो इसमें कोई ना कोई घोषणा जरूर कर देती, कम से कम वो 10 फसलों की MSP पे गारंटी की बात कर लेती। सरकार तो कोई हर्ज नहीं होता। अभी देखिए, 7th पे कमीशन का जब पैसा दिया गया था तो 4.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े सरकार को। उस पैसे का कभी डिबेट नहीं हुई कि 4.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आए। लेकिन अगर किसान को 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो उस पर पूरे देश में डिबेट हो रही कि महंगाई और जो हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लिए अब सिफारिश होने लगी है, कर्मचारी ये कहने लगे हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा, अब हमारा 8वें वेतन आयोग के लिए आप काम शुरू कर। वो सब तो हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन जब किसान का मुद्दा आता है तब आप गायब हो जाते हैं। आप कंपनियों को फायदा देने के लिए तैयार होते हैं, किसान को डायरेक्ट नहीं देते। आपको मैं बता दूं हिमानी जी कि आप देखिए कि दलहन तिलहन के मोर्चे पे लगातार 2014 में जब सरकार आई तभी से कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हुआ क्या, 5 साल में दलहन का जो इम्पोर्ट है वो 4 गुना बढ़ गया। 5 साल पहले 8000 करोड़ रुपए की दालें हम इम्पोर्ट करते थे, आज 32000 करोड़ के इम्पोर्ट कर रहे हैं। 2018-19 में हम 70000 करोड़ का खाद्य तेल इम्पोर्ट करते थे, आज हम 1,40,000 करोड़ का इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार, मेरा ये सवाल है सरकार से कि क्या सिर्फ कागजों में, क्या सिर्फ सचिव लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आखिर हो क्या रहा। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, किसानों को उससे दूर रखते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक और स्टोरी लिखी कि आप देखिए कि मोटे अनाजों का एरिया कम होने लगा। 2023 में पूरी दुनिया ने हमारी पहल पे, भारत की पहल पे इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया, उस पूरे मिलेट ईयर के सेलिब्रेशन से किसान गायब रहा। नतीजा ये है कि आज बाजरे की खेती 15 लाख हेक्टेयर कम हो गई पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि आप भोज करवाएंगे ब्यूरोक्रेट को, मंत्रियों को, सांसदों को, पत्रकारों को, सबको भोज करवाएंगे मिलेट का, लेकिन किसान उससे बाहर है। किसानों को दाम की गारंटी नहीं मिली और इसलिए आप आज ये स्थिति है कि मोटे अनाजों का एरिया घट गया। तो किसानों को दाम की गारंटी नहीं मिली, किसान आंदोलन भी चल रहा है और बजट भी चल रहा है। अब ऐसे समय में जो बजट पेश हुआ और कल किसान आंदोलन का एक फैसला, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, तो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं सायम, जो लगातार किसानों से भी बात करते रहे हैं। किसान आंदोलन को शंभू बॉर्डर पे जाके उन्होंने कवर भी किया है और अब भी किसान नेताओं के संपर्क में रहते हैं। सायम, क्या लग रहा है आपको, अब क्या रुख ले सकता है, क्योंकि बजट से उम्मीदें थी शायद सरकार मुंह बंद कराती किसानों का, उनकी मांगे मानती, उनकी तरफ थोड़ी सहानुभूति दिखाती, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो आप लगातार संपर्क में रहते हैं किसान नेताओं के, क्या लग रहा है आपको, कहां जाएगा किसान आंदोलन? एक्चुअली था क्या है मानी जी, कि किसान जो थे वो काफी लंबे समय से सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो बजट आएगा हम उस बजट पर नजर रखे हुए हैं, और बजट कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत से वादे जो थे सरकार के वो हमेशा से ये होता था कि बजट में हम उसको सुधार करेंगे या बदलेंगे। MSP गारंटी कानून की एक बात हो रही थी, MSP की बात हो रही थी, तब भी किसानों ने यही कहा कि हम बजट पर नजर रखे हुए हैं, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी अभी मेरी किसान नेता से एक से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम जल्द इस पर बयान जारी कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा निराश हैं और ये बजट जो है वो किसानों के फेवर का बजट नहीं है, ये कॉरपोरेट के फेवर का बजट है। तो वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ देर में वीडियो जारी कर इसको हम लोग किसान तक पर एक्सक्लूसिवली लाइव भी कर देंगे। अब लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उनके सारे सवालों का जवाब नहीं मिला, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया, बकौल उनके मतलब जो वो कह रहे हैं,
तो उसके बाद अब ये आंदोलन किस करवट जाएगा? तो आंदोलन जाहिर सी बात है, अगर इस बजट में कुछ किसानों को लुभावने वादे कर लिए जाते या कुछ उनके लिए कुछ घोषणाएं की जाती तो शायद इस आंदोलन की जो चर्चा चल रही थी कि किसी तरीके से सरकार इसको खत्म करने वाली है तो उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। लेकिन अब ये एक तरह से फिर से वो ड्रेल स्थिति में आ गया है कि किसान कहेंगे आपने बजट में हमें दिया क्या? तो जब बजट में दिया क्या वाला सवाल आ जाएगा तो उसमें आप क्या बताएंगे कि हमने क्या दिया? बिल्कुल, अब जब सवाल पूछेंगे किसान फिर एक बार तो क्या जवाब देगी सरकार? ऐसे समय में बार बार ये बात कहने वाली है क्योंकि अब हरियाणा में फिर विधानसभा चुनाव है और चुनाव के नतीजे जो लोकसभा में आए उसमें हम देख चुके हैं कि किसानों की नाराजगी का असर सीटों पर पड़ा। तो ये तो किसान आंदोलन की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई, लेकिन बात हम कर रहे हैं बजट की। शुरुआत बजट से हुई थी और बजट पर ही आगे बढ़ेंगे। अब ये है कि जो दो एक्सपर्ट से हमने बात की उनमें साफ ये हो गया, बजट से पहले ही साफ हो गया कि एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, हमारा जो पीएम किसान का इंतजार कर रहे थे राशि बढ़ेगी वो नहीं मिली, कर्ज माफी पे कोई योजना नहीं हुई, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी, और ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें जिनकी उम्मीदें किसान ने लगाई थी, किसी मशीनी उपकरण पर सब्सिडी, ऐसी कोई योजना अनाउंस नहीं हुई। जो भी अनाउंस हुआ वो एक अलग ही दिशा में जाता दिखा। बजट की शुरुआत जरूर किसानों से हुई लेकिन अंत होते होते किसान के हाथ निराशा ही लगी। एक और हमारे एक्सपर्ट है हमारे साथ जो इकोनॉमिक्स पे अच्छी पकड़ रखते हैं, रिजवान जी, अब उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी मैं, वो स्टोरीज लिख रहे होंगे बजट से जुड़ी, लेकिन थोड़ा वक्त देंगे इस लाइव को और मैं उनसे जानूंगी कि क्या रहा। ये जो चीजें मैंने आपको गिना दी, लगातार हम इन पे कई दिन से बात कर रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं बढ़ी, 3-5 लाख होनी थी, कर्ज माफी पे कोई योजना नहीं आई, पीएम किसान की राशि नहीं बढ़ी, ऐसी कोई योजना नहीं आई। कैसे देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए बजट कृषि किसानों के लिए, किसानों और कृषि के हिसाब से निराशाजनक रहा है। जितनी उम्मीद थी कि किसान ये उम्मीद लगाए हुए थे कि पीएम किसान निधि पर पैसा बढ़ेगा, 8-12 हजार रुपए के आसपास रकम हो जाएगी, वो रकम नहीं बढ़ी। दूसरा, ग्रामीण एरिया के लोगों को ये उम्मीद थी कि पीएम आवास योजना के तहत बड़ा ऐलान होगा कि बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिले। क्या है कि सरकार का फोकस रहा है, खुद सरकार बोलती है विकसित भारत को लेकर के हमारे एजेंडा है, उसमें विकसित भारत में सबसे बड़ी आबादी ग्रामीण सेक्टर की है। ग्रामीण सेक्टर को क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए, जिसमें से खाने के लिए तो मुफ्त राशन योजना पहले से चल रही, उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ कि गेहूं जितना दिया जा रहा था एक यूनिट को उससे बढ़ाई जाए, या चावल जिस एक यूनिट को जितना दिया जा रहा था उतना बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या है कि खपत बढ़ती जा रही है, लोगों का जो इस्तेमाल करने का भोजन है, जब चीज आपको ज्यादा मिले तो आप ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी हिसाब से पिछले 5-7 सालों से मुफ्त राशन योजना चल रही, तो ग्रामीण क्षेत्र को ये उम्मीद थी कि राशन की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, मतलब 5 किलो मिलता था तो 7 किलो हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इसके अलावा जो पीएम आवास का था, 3 करोड़ पिछली बार का था, 2 करोड़ आवास बना दिए, 3 करोड़ और बनाएंगे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि कम से कम 2 करोड़ और अनाउंस किए जाएंगे, यानी 5 करोड़ जो है 2025 में आवास मिल जाएंगे, लेकिन वो मिल नहीं रहे। अब सवाल यहाँ ये है कि देश की 40% आबादी कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को कम से कम 3 प्रमुख योजनाओं पर तो बड़ा पैसा आयुष्मान भारत पर भी कुछ अनाउंस नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने जिक्र किया, मैं बोलने ही जा रहा था, आयुष्मान भारत पर 5 लाख की लिमिट है, कवरेज है उसका, कि आपका इलाज में खर्च होता है किसी हॉस्पिटल में तो 5 लाख रुपए तक का कवर हो जाएगा, लेकिन अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, मेडिकल इलाज का खर्च बढ़ा हो गया है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 16% से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि आप ये समझिए जो दालों की महंगाई चल रही 17% है सिर्फ दाल की, सिर्फ दाल की। और ये भी बता दें, याद दिला दें, हमारे जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं उन्होंने तो कह दिया कि 100 रुपए किलो से कम दाल कहीं नहीं है, कहीं से ऊपर दाल नहीं मिलती है, तो एक ये हास्यास्पद बयान आया था, और उसके बाद जो बजट आया तो उसमें कहीं इन चीजों का एक्नॉलेज भी होते नहीं दिखे किसान। तो इसी तरीके से जो दाल पर जब 16% को मेडिकल इन्फ्लेशन है जो 16% से पार हो चुकी, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब वर्ग है उसको कम से कम 8 लाख रुपए जो है लिमिट बढ़ा दी जाएगी, जो 5 लाख तक का कवरेज था वो 8 लाख, लेकिन वो हुआ नहीं। इसके अलावा और भी अनाउंस नहीं किया गया कि हम और बड़े पैमाने पर डिजिटलाइजेशन आयुष्मान योजना का करेंगे, और जो है गोल्ड कार्ड बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान योजना के डिजिटल कार्ड बनाए, उस पर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा
केवल एक जो है सैलरी पेशा लोग हैं, केवल एक जो है उनको बेनिफिट देने की कोशिश की है सरकार नहीं, रिजवान जी अगर उनसे भी पूछने जाएंगे तो वो भी निराश ही नजर आएंगे। बस आप ये कह सकते हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया है, उसको हिलाते रहिए और खुश होते रहिए। क्या है कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट रखी थी पिछले साल, अभी बढ़ा करके उसको 75,000 कर दिया है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा किसी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हालांकि ये है कि 15 लाख रुपए तक जो कमा रहे थे उनको 20% रखा, लेकिन उतनी कमाई वाले तो फिर बिजनेसमैन हो गया, बड़ा व्यापारी हो गया, कारोबारी हो गया। हम अगर कमाई पर ही और टैक्स पर ही बात कर रहे हैं तो कृषि सेक्टर पर जो टैक्स लगता है किसानों पर, अब लोग कहते हैं किसान टैक्स के दायरे से बाहर है, ये ठीक है, अच्छी बात है, लिखित में भी गवर्नमेंट देती है कि किसान हमारे टैक्स से बाहर है, लेकिन आप वहीं आप ये माचिस की तीली भी एक जलाती हैं तो आप वैट और ये सब जो है जीएसटी के जरिए आप टैक्स भरती। अभी तक ये था कि कमर्शियल खेती जो है कुछ फसलों को गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल खेती में कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कॉफी हो गई, कॉफी की खेती करना, रबर की खेती करना है ना, और डेयरी सेक्टर भी है उसी में जो एग्रीकल्चर में शामिल ही नहीं किया गया अभी तक। तो इस बार ये उम्मीद थी कम से कम कॉफी और रबर की खेती को जो है कमर्शियल में जो कैटेगरी में है उसको एग्रीकल्चर में शामिल कर लिया जाए, और इस पर जो साल 1961 में जो एक्ट बना था इनकम टैक्स एक्ट बना था उसमें था कि 40% कमाई पर किसान की टैक्स देगा वो, यानी कमर्शियल खेती, उदाहरण के रूप पर रबर और कॉफी की हम बात कर लें अगर, तो उसमें अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में से 40 रुपए पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि 5% उसकी मिनिमम आय जो है 7 लाख रुपए हम अगर रख ले तो 5% उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, जो हम आम आदमी जो नौकरी पेशा है 5% टैक्स वो भी दे, किसान को भी देना पड़ेगा। तो ये उम्मीद थी कि जो कमर्शियल खेती में कैटेगराइज है जो फसलें उनको ला करके जो है एग्रीकल्चर में शामिल किया जाएगा और उन्हें थोड़ी सी छूट मिलेगी, तो कुछ भी नहीं लगा आपको ऐसा कुछ भी राहत भरा कुछ हम किसानों को बता सकते हैं जो इस बजट से उन्हें मिला? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली जब मैं बजट सुन रही थी कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इश्यूज वीडियोस हमारे सामने आते हैं। अभी एक अयोध्या से वीडियो आया था कि मक्का लगाया भुट्टा और उसमें दाने नहीं हुए, तो क्लाइमेट चेंज से भी किसान लगातार सफर कर रहे हैं, उसको लेके कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने किया, आपको लग रहा है वो थोड़ी सी राहत दे सकती है लॉन्ग टर्म में, जिसका सीधा फायदा अभी शायद ना दिख रहा हो लेकिन लंबे समय में किसानों को नजर आए? लेकिन मानी जी आप बात इस बात की है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो बजट तो एक साल के लिए जारी किया गया है, अगले 2025 में खत्म हो जाए, 26 में फरवरी में फिर से नया बजट है, और जो ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में 30 फसलों का ऐलान किया है कि 3 फसलें हम ऐसी लेकर के आएंगे, यानी वैरायटी ऐसी लेकर के आएंगे, ऐसे 30 बीज ऐसे लेकर के आएंगे जो जलवायु के अनुकूल होंगे, यानी क्लाइमेट चेंज का उन पर कम असर पड़े और पैदावार ज्यादा हो सके वो लेकर के आएंगे। तो उसमें तो 6 महीने साल भर तो रिसर्च के लिए ही चाहिए कम से कम, और वो आते आते 2027-28 भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो सिर्फ ऐलान तो कर दिया है कि 30 फसलें लेकर, एक और ऐलान किया है कि जो है 130 के करीब जो है बागवानी फसलों की नई वैरायटी लेकर के आएंगे, लेकिन ये ईमानी जी अगर नई वैरायटी आप लाएंगे तो ये खेल नहीं कि आज बोल दिया कल आ जाएगा। किसान हमारे ICR और पूसा कब से लगे हुए हैं नई किस्में विकसित करने पर, गन्ने की किस्में विकसित कर रहे हैं, धान की किस्में विकसित कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज है उसको गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश हमें कम करते हुए दिखी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ जो है आपको ऊपर ऊपर अगर आप देखें तो बोल सकते हैं हाँ ठीक है बजट बढ़ा दिया है, पिछली बार जो है 1.47 लाख करोड़ कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट था, इस बार बढ़ा करके उसको 1.52 लाख करोड़ रुपए कर दिया। अच्छा MSME पे जो अनाउंसमेंट हुई है रूरल डेवलपमेंट को लेकर उससे आप संतुष्ट है, काफी है वो बजट प्रिपेयर करें तो? बजट में MSME को देखेंगे तो डायरेक्ट उसमें भी किसानों को बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें भी बिजनेस कॉरपोरेट के लोग ही घुसे हुए हैं, किसान तो कोई उद्योग खड़ा नहीं कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो वो एक जो है ये तो कर नहीं पा रहा कि एक स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर ले जिसमें गवर्नमेंट ये सब्सिडी भी देती, तो वो तो वो कर नहीं पा रहा। अब MSME सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा वो जो कारोबारी है, जैसे
एफपीओस को जो फर्म जोड़ रही हैं अपने साथ, प्राइवेट फर्म जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, कई सारे नाम हैं अभी आप देखेंगे तो कम से कम 20-25 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं, तो एमएसएमई का फायदा वो लोग ले जाएंगे, तो वो जो उन्हें फायदा मिलेगा पहले खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, बाद में थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा तो किसान को मिल सकता, उसमें भी बिचौलिए खा जाएंगे, अल्टीमेटली किसान के हाथ में एमएसएमई से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये ग्रामीण बिल्कुल ये फायदा होता है एक्सपर्ट से बात करने का, क्योंकि घोषणाएं और ऐलान हमें लगता है कि ये हुआ किसानों के लिए, लेकिन जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तो डिटेल सामने आती है और पता चलता है कि बेसिकली रिजवान जी के ही शब्द को लेकर कहूंगे झुंझुना है अब सहमत है ना झुंझुना है क्योंकि जो अगर हम जलवायु परिवर्तन को लेकर किस में आ रही है उसकी बात करें या एमएसएमई की बात करें, बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स है, रिसर्च है, और अगर कहीं फायदा होता दिख रहा है, जो इनिशियली मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी कहा बिजनेसमैन क्लास को कॉर्पोरेट क्लास को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है, सीधे किसान जो इस पिक्चर का पूरा हीरो है उसको कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा। और मैं नासिर जी की तरफ जा रही हूँ, पहले अलर्ट कर दिया कि मैं उनकी तरफ आ रही हूँ, क्यों आ रही हूँ इसलिए क्योंकि डेयरी और पोल्ट्री पर अच्छी पकड़ रखते हैं और वो कई दिन से एक बात कह रहे थे कि इस बजट से एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि डेयरी को एग्रीकल्चर में शामिल किया जाए, डेयरी और पोल्ट्री उद्योग को सरकार वो मदद करे जिसकी डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े लोग उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें जरूरत है। नासिर जी ये तो जाहिर है कि आप निराश बहुत हैं इस बजट से, लेकिन कितने निराश हैं, क्यों निराश हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर डेयरी की बात करें और पोल्ट्री की बात करें तो उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया श्रिम्प के मामले में। मैं इसलिए कहूंगा कि ये एक अच्छा कदम है ऐसे वक्त में जब हमारा श्रिम्प प्रोडक्शन जो है पिछड़ रहा था, किसान जो है वो अपने तालाबों को बंद कर रहे थे, जमीन को बेच रहे थे तालाब की, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 10 लाख टन श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है, उसमें से 7-7.5 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ का श्रिम्प इतना बेहतर है, इतना अच्छा है कि उसको बहुत सारे देश पसंद करते हैं, लेकिन उस पर आने वाली लागत वो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो महंगा होता है। इसके अलावा कुछ दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज वाला मामला भी है, लेकिन हम सिर्फ कॉस्टिंग की बात करेंगे तो अब श्रिम्प में 5% ड्यूटी कर दी गई है जो पहले 15% थी, यानी कि 10% ड्यूटी श्रिम्प का जो फीड है उस पर 5% ड्यूटी कर दी गई है, इसी तरह से फिश पर भी 15% से घटाकर 5% ड्यूटी कर दी गई है। हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 65 लाख करोड़ का हमारा जो है वो 65,000 करोड़ का सॉरी पूरा एक्वाकल्चर का एक्सपोर्ट है, तो इसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि फरवरी में भी निर्मला सीतारमण ने खुद कहा था कि हम इसको 1 लाख के टारगेट पे ले जाना चाहते हैं, तो वो टारगेट मिलने की उम्मीद सिर्फ इसी से है, श्रिम्प से खासतौर से, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ वैनमई श्रिम्प यूज हो रहा है जो अमेरिकन ब्रूड है, लेकिन अब ब्लैक टाइगर की भी डिमांड होने लगी है। अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही एक खबर पब्लिश की थी ब्लैक टाइगर को लेकर, ब्लैक टाइगर की डिमांड बढ़ रही है, जबकि मार्केट में लाए उसको अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हालांकि ब्लैक टाइगर जो है वो एशिया का ही है, एशिया की ब्रीड है और खास तौर से इंडिया की, जिस तरह का क्लाइमेट और पानी हमारे यहाँ मिट्टी है उसमें ब्लैक टाइगर बहुत अच्छे से पाला जाता है, उसका टेस्ट भी उसी हिसाब से आता है, तो ब्लैक टाइगर ने भी अपने पाँव जमाना एक्सपोर्ट में शुरू किए हैं। तो जो फरवरी में सपना देखा था निर्मला सीतारमण ने कि 1 लाख करोड़ पे हम एक्वाकल्चर को पहुंचाएंगे एक्सपोर्ट में, तो वो अब मुमकिन होता कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिश की बात तो ठीक है, चलिए हम फिश पर आ गए। फिश में हमारा जो श्रिम्प है, जो झींगा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड थी। पर ये है कि कुछ देश है जैसे वियतनाम है, वियतनाम से हमें टक्कर मिल रही थी, क्योंकि वियतनाम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है श्रिम्प का, लेकिन उसका श्रिम्प इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारे यहाँ का माना जाता है। अब उसकी डिमांड आएगी नो डाउट, लेकिन ऐसे वक्त में बहुत जरूरत थी पोल्ट्री को और डेयरी को कि सरकार उसको मदद करे। अगर हम डेयरी को छोड़ दें और सिर्फ पोल्ट्री की हम बात करें तो पोल्ट्री आप ये मान लीजिए कि अभी तक आज जिस स्टेज पर पोल्ट्री है वो सिर्फ अपने दम पर है, आज तक उसको सरकार से कोई मदद नहीं मिली है, सिवाय इसके कि अगर आप कोई छोटा पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ लोन मिलता है, लोन में कुछ सब्सिडी मिलती है। जैसे अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चल रहा है, उसमें 50% की सब्सिडी है। अगर इसकी बात करें तो सिर्फ यही एक मदद है, बाकी पोल्ट्री में किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है, जबकि
आज की डेट में हमारी पोल्ट्री की बात करें तो अंडा उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं, सॉरी तीसरे नंबर पर, और चिकन के उत्पादन में हम आठवें नंबर पर हैं पूरे विश्व में। आज अंडे की डिमांड विश्व के जो दूसरे देश हैं वो भी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन वॉर के चलते कई सारे नए देश भारत आ रहे हैं अंडा खरीदने के लिए। इसी तरह चिकन की भी डिमांड है, लेकिन चिकन को जरूरत है प्रोसेसिंग यूनिट की और कोल्ड चेन की, जिसके लिए सरकार को मदद करनी होगी, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब तक सरकार अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी, कोई इनकी मदद नहीं करेगी फाइनेंशियली, तब तक ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है और कोल्ड चेन है इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। और बिना इसके हम चिकन एक्सपोर्ट की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट के जो पैरामीटर्स हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं खरीद के, वो अभी हम डोमेस्टिक वाले में पूरा नहीं कर रहे हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें जरूरत कोल्ड चेन की और बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है, तभी हम कर पाएंगे। अब रह गई बात डेयरी की, तो डेयरी में जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी देखी जा रही है वो है पाउडर की, फिर वो चाहे ग्रीन पाउडर हो, ड्राई पाउडर हो या मिनरल मिक्सचर। हमारे यहाँ जो भी वजह रही हो, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन बड़ी वजह ये है कि जो चारा गादी गाँव में ग्राम स्तर पर बड़े बड़े मैदान होते थे चारे के लिए, जहाँ चारा नेचुरल तरीके से भी उगता था, बारिश में आ जाता था, पशु वहाँ चढ़ते थे या उगाया भी जाता था, लेकिन अब वो नहीं बचे। उस पर या तो एंक्रोचमेंट हो गया है या वो जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है फोडर को बढ़ाने की, और उसके लिए जो नई टेक्निक पर जो काम हो रहा है, हालांकि अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन चूंकि उसका हमारे देश में अभी जो पशुपालक है, जो किसान है, उन्होंने उसको अभी अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं उसको, वो है साइलेज और हे बनाने की। तो साइलेज और हे बनाने को प्रोत्साहन सरकार को देना होगा, इस पर भी मशीनरी की जरूरत है। अगर मशीनरी में सरकार प्रोत्साहन देती है साइलेज और हे बनाने के लिए, तो नो डाउट कि पशुपालक अपने पशुओं को भी चारा खिला सकेगा बारह महीने, ऐसे वक्त में भी जब हरे चारे की कमी देखी जा सकती है गर्मियों में। साइलेज का ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा अपने पशुओं को खिलाने के साथ ही वो बाजार में उसको बेच भी सकता है, ये हो गया उसका इनकम डबल करने का फॉर्मूला। पर नासिर जी, ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारी बातें सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें नहीं पता हूं, पर फिर भी इन्हें छुआ नहीं गया और इनके लिए कोई ऐलान नहीं किए गए? देखिए, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बिल्कुल पता होगा। जब हम जानकारी रखते हैं तो उनको भी पता होगा, वो तो इस पर ग्राउंड लेवल से लेकर बहुत ऊपर तक बहुत काम करते हैं, तो बिल्कुल पता होगा। उनको ये भी पता है कि हम दूध उत्पादन के मामले में विश्व में पहले नंबर पर है। 231 मिलियन टन का प्रोडक्शन है दूध का, और हर साल वो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारी खुद की दूध की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि हमारी दूध की डिमांड पूरी नहीं हो पाती। आप ये सोच लीजिए कि जो हमारी पर कैपिटा जो दूध की जो कंजप्शन है वो 430 या 435 ग्राम है, तो दूध की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। और हमारा जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि हम जब चाहें डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, देखिए हेमानी जी, अभी तक जो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको जरूरत है ऑर्गेनाइज करने की। तो बेसिकली जो नासिर सर से बात करते हुए हमें पता चला वो ये कि डेयरी और पोल्ट्री को जो जरूरत थी, मुझे ऐसा लगता है जो हम कहते हैं मेन स्ट्रीम में आने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो नहीं आ पाई, तो बजट ने तो कहीं ना कहीं निराश किया। और जो नासिर जी एज एक्सपर्ट हमें बातें बता रहे थे, वो ये मानना तो बड़ी गलतफहमी होगी कि सरकार में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें नहीं पता होंगी। जाहिरन उन्हें पता होंगी, पर फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये नाराजगी, ये निराशा डेयरी और पोल्ट्री एक्सपर्ट जो पोल्ट्री से जुड़े लोग हैं उनमें भी होगी, और हमने जो हमारे यहाँ न्यूज़ रूम एक्सपर्ट है उनसे बात की उनमें भी थी। अब हम चलते हैं हमारी यूट्यूब टीम की तरफ, जो लगातार बजट को लेके वीडियोस बना रही है और आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज पेश कर रही है लगातार। हमारे साथ संदर्शिका है जो इस लाइव को बैकेंड से देख रही है। क्या कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और कमेंट किए, उनके बारे में हम बताएंगे क्या क्या कमेंट आए हैं। मैम, लगातार ये लाइव कई लोग देख रहे हैं और अभी इसमें कुछ कमेंट आए हैं जिसमें कमेंट में लोग निराशा जता रहे हैं इस बजट को लेके, कि जो उम्मीद जताई जा रही थी, जैसे MSP हो गया, PM किसान योजना हो गया, कर्ज माफी को हो गया, इस बारे में कोई बात ही तक नहीं हुई। तो जो कमेंट, संदर्शिका आप नाम लेके थोड़ा सा कमेंट बताइए कि किसने क्या कहा है। एक सुप्रिया जी है, उन्होंने कमेंट करके कहा है कि अब कोई भी किसान खेती नहीं करेगा। और दूसरा कमेंट आया है कि अगली सरकार अखिलेश यादव की होगी, तो ये भी देखने वाली बात मैम है कि लगातार जिस तरह अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें BJP को काफी नुकसान हुआ, तो ये भी कहा जा रहा था कि इस बजट में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको साधने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जो जिस तरह का बजट आया
हैरानी जताने वाला बजट है। और जितनी कमेंट संदर्श कर हमें बताई वो किसानों की जो निराशाजनक कमेंट्स है वही आ रही है। और जाहिर हम भी यही बात कर रहे हैं कि इस बजट ने बहुत निराश किया। दो बड़े टर्म्स जो लगातार चल रहे थे कि एमएसपी को लेकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला। पीएम किसान की राशि कितनी बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। और इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ी, कर्ज माफी पर कोई ऐलान नहीं हुआ। दूसरा हमारे साथ शिवराज हैं जो लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं इस मुद्दे पर। तो शिवराज क्या लग रहा है आने वाले समय में, अभी मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा, कितने हंगामे के आसार है विपक्ष की, क्योंकि इस बार सरकार के साथ गठबंधन है, कई और सरकारें जुड़ी हुई हैं, पार्टियां जुड़ी हुई हैं। कैसा रहने वाला है आगे संसद का माहौल, अब जबकि बजट में किसानों के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ और किसान खुद आंदोलनरत है 161 दिनों से। शिवराज क्या लगता है? देखिए ये जो मानसून सत्र, आप चेयर थोड़ी सीधी करें, कैमरा फेस करें, लैपटॉप थोड़ी देर छोड़ दें और बताएं। ये जो बजट सेशन है ये हंगामेदार होने वाला है, ये हम सब पहले से ही जानते हैं। और जिस तरह से विपक्ष एक तरह से सरकार पर हमलावर है या सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये झलक तो हमें दिखाई दे गई है कि विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। रही बात किसानों के मुद्दे पे, तो किसानों के मुद्दे पे भी आज जब बजट पेश हुआ, बजट के बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के हों या फिर कांग्रेस सांसदों के हों या फिर श्रोमणी अकाली दल की हो, यानी कि सारे जो विपक्षी नेता है, जैसे कि पंजाब को लेकर अभी पंजाब के सांसदों ने आज बजट के बाद विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की कि पंजाब की अनदेखी की गई है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरह दूसरे जो विपक्षी सांसद हैं या विपक्षी पार्टियां वो भी सरकार को घेर रही है। तो कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे या दूसरे मुद्दे, सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष एक तरह से अब हमलावर होने वाला है। तो विपक्ष हमलावर होने वाला है, बजट ने किसानों को कोई राहत नहीं दी और जो उम्मीदें थी उन पर भी पानी फेरा। ये लाइव हमारे साथ देख रहे हैं इस समय कई लोग और लगातार कमेंट कर रहे हैं। न्यूज रूम में हम बात कर चुके हैं कमेंट में क्या कुछ आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं, हमारी यूट्यूब टीम में काम करने वाली है संध्या, संध्या बताइए क्या लाइव आ रहा है बैकेंड से, ये भी लाइव को देख रही थी, कुछ और कमेंट आ रहे हैं। हाँ मैम, सुप्रिया का एक कमेंट आया है। सुप्रिया का कमेंट तो हमने पढ़ लिया, इसके आगे कुछ कमेंट आए हैं शायद। हाँ मतलब यही चीज है शिवानी का है कि अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एमएसपी तो नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिली, बिल्कुल इसी बात का लगातार डर बना हुआ है कि किसानों को भी कहीं ना कहीं आंदोलन के दौरान ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी लेकिन कुछ नहीं किया। तो शिवानी ने कमेंट किया है कि आगे कुछ कमेंट है। हाँ एक है ईरान का, ईरान सिंह यादव का, किसानों से निवेदन है कि सभी अनाज रोजगार रोक कर रखें, मार्केट में 2 साल तक नहीं जाने दें, किसान बगैर मार्केट में जाकर के भी अपनी चाल चला सकते हैं, चला सकते हैं। बेसिकली निराशा वाले कमेंट आ रहे हैं। हमारे दो और सहयोगी हैं जो लगातार खबरें अपडेट कर रहे हैं बजट को लेके। नहीं कैसा लगा बजट, आप भी खेती किसानी पे लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, लिखते रहते हैं, क्या लग रहा है, एक लाइन में बताना। देखिए बजट में जो अंतरिम बजट से लगभग 25 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है, तो कम से कम एक बात स्पष्ट है कि सरकार ने किसानों के बारे में थोड़ा सोचा। अब सोचा, इसका परिणाम ये नयन पहले इस लाइन में जुड़े हैं जो बहुत खुश है और उन्हें लगता है सरकार ने सोचा। खुश की बात नहीं है, किसानों को प्राथमिकता में रखा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जैसा कि सभी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सम्मान योजना पे नहीं बोला, ये बजट पे तय नहीं होता कि बजट पे उसके बारे में नहीं बोला तो राशि नहीं बढ़ाई जा सकती। अच्छा। हो सकता है उनका लॉन्ग टर्म प्लान हो। ओके। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर नहीं बोला तो सरकार की मतलब तो मुझे लगता है लाइन में चलते चलते नयन हमें उम्मीद दे रहे हैं और किसानों को भी उम्मीद दे रहे हैं कि सरकार घोषणा कर सकती है, थोड़ा और दबाव बनाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है जैसे सबने अपने अपने ओपिनियन दिए तो सरकार को भी समीक्षा करने का मौका मिला, किसान तक के माध्यम से सरकार तक ये बात जाए कि नहीं आपको लग रहा है इतना आंदोलन चल रहा है अभी भी सरकार को समीक्षा चाहिए, मुझे नहीं लग रहा वैसे, पर फिर भी नयन की बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में हमें कोई उम्मीद मिल जाए। आगे हमारे साथ है स्वयं प्रकाश, बहुत ही क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग करते हैं यहाँ पे। कितना क्रिएटिव लग रहा है बजट, मुझे बहुत क्रिएटिव लग रहा है क्योंकि सीधे तौर पे अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई और बहुत सारी बातें कह दी।
जी जी हिमानी जी, बजट पे बहुत सारी बात हो गई लेकिन मैं आपको काम की बात बताता हूँ। अभी तक हमने काम की बात ही नहीं की। नहीं, एकदम डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि इस बजट में क्या क्या सस्ता होने वाला है बताओ। सबसे पहले तो ज्वेलरी से रिलेटेड सोने चांदी और प्लेटिनम की चीजें सस्ती होंगी, इम्पोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी, आपकी चमड़ी से बनी चीजें जूते और पर्स बैग ये बस ये सब सस्ते हो जाएंगे। साथ में आपका मोबाइल, मोबाइल के पार्ट्स, मोबाइल के चार्जर, रिचार्ज की सारी चीजें सस्ती होंगी। और ईवी पे जो सरकार का पूरा फोकस है, सोलर पैनल, सोलर सेल हो या गाड़ियां हो, ये सब सस्ती होने वाली है। ये सारी काम की चीजें हैं जो होंगी। और प्लस इसमें एक नई चीज जो सरकार ने शुरू करी है कि अगर महिलाएं महिलाओं के नाम पर घर रजिस्टर किए जाते हैं, रजिस्ट्री होती है, तो उस पर महिलाओं को रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिलेगी। इससे सरकार राज्य सरकारों से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर छूट दी जाए। साथ में एक चीज ये निकल के आई है कि जो रेंटल जो शहरों में जो कामगार मजदूर हुए हैं, जो लोग बाहर जाते हैं अपने गांव छोड़कर पलायन करके, उनको शहरों का भारी भरकम किराया झेलना पड़ता है। उसके लिए सरकार अब रेंटल डेवलपमेंट करेगी कि शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास अपने आवास बनाएगी और उनमें मजदूरों को बहुत ही सस्ते दर पर किराए पे मकान देने की कोशिश करेगी, यानी कि उनकी बचत करवाने की पूरी कोशिश में। तो ये दो चीजें हैं जो लोग आम आदमी के काम की। तो चलते चलते स्वयं हमारे साथी ऐसे जुड़े जिन्होंने बजट को एक्सपेंड कर दिया। हम खेती की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, उन्होंने वो मुद्दे बताए जो शायद हर आदमी के लिए जरूरी है कि क्या क्या सस्ता हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और मैं फिर एक बार जाऊंगी मनोज जी के पास इस लाइव को एंड करने के लिए, क्योंकि बात यही खत्म नहीं हो रही। हमने न्यूज रूम एक्सपर्ट से बात की थी, बहुत जल्द आपके साथ और लाइव होगा जो मनोज जी करेंगे और हमारे साथ जुड़े दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा ये बजट और क्या रहेगा नतीजा। मनोज जी, क्या तैयारी चल रही है अगले लाइव को लेके? हम लोग किसानों की बात करते हैं, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग कोशिश नहीं की किसान नेताओं के नजरिए से बजट को देखें, हमने हमारी भी अपनी नजर बजट है नजरिया है और हमारा बजट नजरिए में किसान को प्राथमिकता रखते हुए राष्ट्रीय हित के साथ हम बजट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश रहेगी किसान नेता जुड़ाएं अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग विचारधारा के, संघ कम्युनिज्म के साथ साथ सामंतवादी तमाम विचारधाराओं के साथ। बजट आपने पढ़ लिया पूरा? हाँ, मैं देख रही थी पीडीएफ आपको। बजट मैंने एक नजर बजट पे डाली है जी। बहुत अच्छा बजट नहीं था, कहीं लोग कह सकते हैं अच्छा बजट है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जहाँ इस देश की जब तक कहा जाता है कि व्यवस्था देश कृषि प्रधान है, कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान है, खुद कल अगर हम लोग बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरीके से कृषि को लेकर कई घोषणाएं हुई, बजट में उनका नामो निशान तक नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में माना कि एग्रीकल्चर में तकरीबन 25 से 30 करोड़ लोग सीधे जुड़े रहे वर्कफोर्स में और उस वर्कफोर्स का ध्यान नहीं रखा गया। तो खेती किसानी के लिहाज से मतलब इस बजट में बहुत निराशा है। सरकार का नजरिया थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार को समझने की जरूरत है कि देश में फिर से, हालांकि रूरल डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा पैसा है डाला गया है, लेकिन ये बात समझना होगा कि ग्रामीण विकास अच्छी बात है, ग्रामीण विकास पर फोकस होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण विकास का आधार कृषि ही है और कृषि और अलाइड सेक्टर ही ग्रामीण विकास को आगे लेके जाएगा। गांव तब बचेंगे जब खेती बचेगी, अगर खेत नहीं बचेंगे, गांव किसान नहीं बचेंगे, तो गांव भी शहर हो जाएंगे। ये एक बड़ा सामने हमने देखा है, दुनिया भर में इस तरह के मॉडल है। तो ग्रामीण विकास के लिए खेत और किसान को बचाना बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस बजट के बाद अब मानसून सत्र में स्वाभाविक तौर पर घमासान होगा, एमएसपी के मुद्दे पर भी चीजें आगे बढ़ेगा, उसको लेकर जो चीजें हैं तैयारियां तमाम पक्ष और विपक्ष की है, तो देखिए कैसे आगे बढ़ता है। पर यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो बजट आया है, उस बजट के बाद जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी चुनौतियाँ चार गुना बढ़ जाएंगी। ये नाम लेना मैं भूल गई, मैं माफी चाहूंगी। और मनोज जी ने दिला दिया, बजट पे बात कर ली, कृषि मंत्री जी रह गए, मनोज जी बहुत शुक्रिया। शिवराज जी का इन्होंने नाम लिया, इनकी बातों से लग रहा है इनकी तैयारी अगले लाइफ को लेकर पूरी पूरी हो चुकी है। किसान तक खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।